देखिए, यूपी के कन्नौज में जब अंगूर की बेटी सिर चढ़कर बोली तो क्या हुआ, जरूर देखें। प्रदेश में शराब की बिक्री क्या शुरू हुई कि पीने वाले इस पर टूट पड़े, जिसका नतीजा हुआ यह है कि कहीं कोई ज़्यादा पीकर नाली में पड़ा है तो कोई नशे में झगड़े पर आमादा है। मामला कन्नौज का है। यहाँ एक गाँव में नशे में हुई गाली गलौज खूनी संघर्ष में बदल गई, जिसमें चले धारदार हथियार से 9 लोग लहूलुहान हो गए। चिंताजनक हालत में एक बुजुर्ग को कानपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर 8 के खिलजी मुकदमा दर्ज किया है। कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के जसपुरा गांव का मुलायम सिंह और ओम प्रकाश नशे की हालत में एक दूसरे को गालियां ही दे रहे थे। गालियों की आवाज़ सुन दोनों के परिजन घर से निकल आए और एक दूसरे को गाली देने से मना करने लगे। इसी को लेकर विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया। थोड़ी ही देर में हंसिया व लाठी डंडे चलने लगे। संघर्ष में महिलाओं सहित 9 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। 65 वर्षीय रामनाथ के सिर में हंसिया लग गई। चिंताजनक हालत में डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज से कानपुर रेफर कर दिया, जिनकी बीती शाम इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। कन्नौज ब्यूरो पवन कुशवाहा के साथ इंदरगढ़ से दर्शन राजपूत की रिपोर्ट। तब फिर बताइयो, क्या नाम है आपका? फुलकान। क्या घटना हुई? दारू पी के पंगा कर दिया। किन लोगों ने? ये चौकीदार के भतीजों ने। मुलायम सरमन, सरमन की घरवाली, जवाहरलाल, हरीराम, धीरेश और कक्का बिजराज, शेर सिंह और ये इनके तारवा, उनके वो उनके। कितने लोग घायल हुए आपकी तरफ? हमारी तरफ 9-10 घायल हुए।